4.3 एनसीईआरटी बुक का फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर गिवन 1.0, 6.0 एंड 4.3। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एक्स वन की वैल्यू यह है कि 1, वाई 1 0, एक्स 2 6, वाई 2 0, एक्स 3 4 और वाई 3 रहेगा 3 बच्चों। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। ये बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट्स का, हाफ मॉड एक्स वन की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, 1 0 1, फिर 6 0 1 और 4 3 1। अब इसकी वैल्यू निकालना है बच्चों डिटर्मिनेंट्स की हमें। हाँ बच्चों, अब इसको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। हमने 1 लिया, 1 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा बच्चों, 0 के इंटू 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 के इंटू 1 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 0 लेंगे, 0 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आया। अब प्लस 1 लिया तो 1 के नीचे वाला नंबर छूट जाएगा, 6 3 18, माइनस 0 बच्चों मॉड के अंदर रखेंगे इसको। अब 1 बाई 2, ये माइनस 3, ये 0 और ये प्लस 18, 18 माइनस 3 क्या हो गया, 15 इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया फर्स्ट क्वेश्चन का आगे बच्चों, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फर्स्ट के जितने पार्ट और दिए गए हैं हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों बताएंगे, सो दैट द पॉइंट्स ए ए बी प्लस सी है, बी का सी बी सी प्लस ए है और सी का सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। हमें इसको सो दैट करना है, दिखाना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो बच्चों एक्स वन हमने ए लिया, एक्स वन है, ये वाई वन है, फिर एक्स टू हमने बी लिखा, वाई टू क्या लिखेंगे बच्चों, सी प्लस ए, फिर एक्स थ्री, एक्स थ्री ये पॉइंट कहलाएगा सी और वाई थ्री होगा ए प्लस बी। अब इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन If the points are collinear होने के लिए बच्चों क्या दिखाना है हमको, 1/2 half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equal क्या होना चाहिए, 0। यदि 0 आंसर आएगा तो हमारे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। हाँ बच्चों, फार्मूला की जो मैंने फार्मूला दिया था उसमें वैल्यू को पुट करना है, हाफ x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b प्लस सी और 1, फिर x2 की वैल्यू b, y2 की वैल्यू c प्लस a और 1, x3 की वैल्यू c और y3 की वैल्यू a प्लस b और 1। अब बच्चे इसको मुझे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना होगा। अब यदि हम इसको मॉड निकाल देते हैं हाफ, तो ये मॉड निकालने में ये छूट जाएगा, इसका इंटू इसके साथ होगा तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी होगा, माइनस करके बी प्लस सी लिखेंगे, इसके नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, बी माइनस सी और प्लस 1 लेंगे बच्चों ये वाला थर्ड कॉलम को, तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस 1 और थर्ड कॉलम लेते हैं बच्चों ये छूट जाएगा, बी ए प्लस बी माइनस सी सी प्लस ए, तो हाफ। अब बच्चों इसमें ए सी प्लस ए माइनस बी माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी का इंटू करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए होगा, हाफ ए कैंसिल कर देते बच्चों, ए का इंटू सी से करेंगे तो ए सी माइनस ए का इंटू बी से करेंगे तो ए बी आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए आया, ये सी ए लास्ट में बच्चों। अब इसमें देखिए प्लस माइनस क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये ए बी प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट क्या आया है बच्चों, सब कैंसिल हो गया, क्या आया, 0। तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कितना दिया है 4 स्क्वायर यूनिट और वर्टेक्स दिया हुआ है गिवेन है, अब हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। एक्स वन लिखेंगे के, वाई वन जीरो, फिर एक्स टू फोर, वाई टू जीरो, एक्स थ्री जीरो, वाई थ्री टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू प्लस माइनस 4 गिवेन है। तो हाफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, इजकल टू क्या करेंगे प्लस माइनस 4 लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इसके वैल्यू हमको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हाफ एक्स वन की वैल्यू कितनी थी के, y1 की 0 1, x2 की वैल्यू 4, y2 की 0 1, x3 की वैल्यू 0, y3 की 2 1, इक्वल टू करके प्लस माइनस 4 लिखे। अब बच्चों ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 4 के पास चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो k लिखे, k के नीचे वाला कॉलम पूरा छोड़ दो बच्चों, ये 1 0 या 0 माइनस 2, 0 तो लेने की जरूरत नहीं बच्चों क्योंकि पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा इसका वाला 0 वाला टर्म का, प्लस 1 लेंगे तो 1 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 आया, और इक्वल में बच्चों प्लस माइनस क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ये 4 का 2 से इनटू होगा। तो बच्चों इसका क्या आंसर आएगा, माइनस 2 के आया और ये प्लस 8 हुआ, इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 8 आया। अब इसका टेकन पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चों, यदि पॉजिटिव साइन लेता हूं मैं तो माइनस 2 के प्लस 8 इजकल टू क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेने पर ये 8 आएगा तो माइनस 2 के इजकल टू 0 हो जाएगा, 8 से 8 शिफ्ट होगा 0 हो जाएगा, के इजकल टू क्या आएगा 0 आएगा बच्चों। अब टेकन नेगेटिव साइन हमको लेना है, अब इसको बच्चों नेगेटिव टर्म लेंगे, टेकन नेगेटिव साइन तो माइनस 2 के इजकल टू माइनस 8 माइनस 8, तो माइनस 2 के इक्वल माइनस 16, तो के इक्वल आएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 2, के की वैल्यू 8 आ गई। इस प्रकार से बच्चों फाइनल आंसर आपका के की वैल्यू 0 और 8 होगा। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों हम सपोज कर लेंगे, हाँ बच्चों लेट कर लेंगे, सपोज लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट, एक्स वाई बी एनी पॉइंट, अब बच्चों एक्स वाई 1,2 एंड 3,6 आर कोलिनियर। तो बच्चों ये एक्स वन हो जाएगा एक्स, वाई वन होगा वाई, और एक्स टू होगा 1, वाई टू होगा 2, एक्स थ्री 3, वाई थ्री 6। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे इक्वल में क्या लिखेंगे 0, क्यों दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर है। हाँ बच्चों अब ये जो वैल्यू आई है ना इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे, 1 बाई 2, एक्स वन की वैल्यू क्या थी एक्स, वाई वन की वैल्यू वाई, फिर ये 1, एक्स टू की वैल्यू है 1, वाई टू की वैल्यू है 2 1, और एक्स थ्री की वैल्यू 3 है, वाई थ्री की वैल्यू क्या है 6 है। तो एक्स थ्री की वैल्यू रखेंगे 3, वाई थ्री की वैल्यू है 6, 1 इक्वल 0। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, एक्स लिया ये कॉलम छूट जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 6 माइनस वाई, 1 1 जा 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दीजिए, 6 1 जा 6 माइनस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो हाफ कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये 0 तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने पास से 2 से माइनस 6 करेंगे क्या आएगा माइनस 4 एक्स, और प्लस 3 से 1 जाएगा तो 2 2 वाई, और प्लस 0 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ यदि, तो 2x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस वाई इक्वल 0 बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका। बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।